नमस्कार, न्यूज आज की इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मंत्री रामपाल का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से मंत्री रामपाल को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेता नासिर इस्लाम ने कहा कि मंत्री रामपाल की बहु प्रीति को न्याय नहीं मिला है और कांग्रेस पूरे प्रदेश में मंत्री रामपाल की बर्खास्तगी की मांग करते हुए न केवल विरोध प्रदर्शन करेगी बल्कि सरकार और रामपाल का पुतला भी फूकेगी। देखिए, पुतला दहन किया है इस बात को लेकर के जिस तरह से मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आज रामपाल सिंह मंत्री को बचाने में लग गई है। वो रामपाल सिंह जो अपनी बहू को प्रताड़ित इतना ज्यादा कर चुके कि वो बहू ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। एक आत्महत्या प्रताड़न का मामला होते हुए दूसरी ओर वो अपने पुत्र की दूसरी शादी कराना चाहते थे जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी प्रीति से। इन सारी चीजों को लेकर ही उसने आत्महत्या करी और अपने डाइंग स्टेटमेंट के अंदर एक तरह से उन बातों को चिन्हित किया है, दिखाया है। परंतु आज हम देख रहे हैं लगातार कि शिवराज सिंह चौहान कहीं किसी हत्यारे को बचाने में लगते हैं। जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग द्वारा मान्य कर दिया जाता है उसको कैबिनेट में दादागिरी से रखते हैं। आज ढकोसला कर रहे थे चार दिन पहले ही महिला सुरक्षा के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है मध्य प्रदेश। और शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा, बहुत बड़ा ढकोसला कर रहे थे मामा। परंतु हमारी मांग ये है कि अगर तुम सत्य के ऊपर, अगर तुम वाकई मामा हो इस प्रदेश की महिलाओं के और बच्चियों के, तो तुम्हें तुरंत इस्तीफा दिलाना चाहिए। रामपाल सिंह को तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और रामपाल सिंह के बेटे को 304A के मामले में गिरफ्तार करा जाना चाहिए। नहीं तो ये अपंग सरकार है, अपंग मुख्यमंत्री है और ये इस तरह की राजनीति, दोहरे चरित्र की राजनीति लगातार मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की करते आए हैं, प्रमाणित करता है इस बात से कि ये झूठे और केवल एक षड्यंत्री मामा है, शकुनी मामा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।